हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में ये चीज़ें अधूरी छोड़ दी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, और ऐसी मुसीबत में फंस सकते हो फिर वापस आप निकल नहीं सकते। तो समय रहते उन दो चीज़ों से आप कवर कर लें, आप उनको अधूरा ना छोड़ें, जितना हो सके उसको समय पर कंप्लीट कर ले, अन्यथा आपके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अब वैसे क्या चीज़ें हैं, वो दो चीज़ क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे नंबर वन है बीमारी। इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में बीमारी होती है, कोई न कोई तरीका का रोग होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट रूप से स्वस्थ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका क्योर ना करो। हर बीमारी का इलाज है, तो आप उसको उसका इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप में कोई बीमारी है और उसका पूरी तरीके से आपने इलाज नहीं कराया, उसको अगर आपने अधूरी छोड़ा, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, जितना हो सके और जितना जल्दी हो सके उस बीमारी पर आप कवर पाएं और उसको कभी अधूरा ना छोड़ें, उसका इलाज पूरा ले, उसका ट्रीटमेंट आप पूरा ट्रीटमेंट कराएं, उसको कभी आधा। जब बहुत से जने क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और छोटा मोटा प्रिकॉशन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार वाह ठीक हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस 2-3 महीने बाद, 4 महीने 6 महीने बाद वो वापस बीमारी उनके शरीर में आती है, फिर वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, वापस टेबलेट ले लेते हैं, वापस वो बीमारी ठीक हो जाती। तो ऐसे 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 करके वो एक बार तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 वो बीमारी आपके शरीर में घर करती रहती है दोस्तों। और एक टाइम ऐसा आता है कि डॉक्टर के पास पे भी उसका कोई इलाज नहीं होता है, और डॉक्टर लास्ट में क्या कहते हैं, अगर आप समय पे इसका इलाज कराते तो हो सकता ये ठीक हो सकती थी। उस वक्त क्या किया, उस वक्त आपने लापरवाही की, और वो लापरवाही आपके लास्ट में आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर सकती है। शुरुआत वो बीमारी बहुत ही कम पैसों में रिकवर हो सकती है दोस्तों, लेकिन जब अंत में आप डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो वो बीमारी लाखों रुपए खर्च करवा देती है। इसलिए ध्यान रखें, जीवन में बीमारी कोई सी भी हो, रोग कोई सा भी हो, उसको तुरंत और समय पर उसका इलाज कराए, और उसको कभी अधूरा ना छोड़े, हो सके बहुत ही जरूरी से जरूरी उसको पूरा इलाज कराए और उसको जड़ से ख़त्म करें। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वरना आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकती है। सेकंड है कर्ज। हर इंसान के जीवन में कर्ज होता है, छोटा मोटा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में कर्ज नहीं होता है, जिनके जीवन में लोन नहीं होता है। होता है, मैं भी मानता हूँ, लोन बहुत से जने लोन लेते हैं, कोई मकान पे लेता है, कोई गाड़ी पे लेता है, कोई किसी पे लेता है, लोन होता है बिल्कुल, कोई बिजनेस पे लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके पास पैसा आए तो समय रहते उस कर्ज को चुका दें, अन्यथा वो कर्ज आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। कर्ज ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो 24 घंटे चलता है। उसका जो ब्याज है ना, कर्ज का ब्याज, आप सोते रहते हो ना रात को तो भी उसका ब्याज चलता रहता है दोस्तों, वो आपके ऊपर चढ़ता रहता है दोस्तों। इसीलिए जब भी कभी आपको लगे कि यार सरप्लस पैसा आया है, और वो उस पैसे को आप कहीं अन्यथा खर्च ना करें, किसी और एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची में खर्च ना करें, उसको जितना हो सके अपने कर्ज में डाल दें, अपने कर्ज को कम करने में डाल दें, और जितना आपको हो सके उस कर्ज को कम करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पास अभी अच्छा बिजनेस चल रहा हो सकता है आपको अच्छी नौकरी चल रही हो, आप अच्छे से ईएमआई भर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन क्या पता कब कौन सा समय आए, और अगर ऐसी घड़ी आए, ऐसा संकट की समय आए, और जब आप उस लोन की किस्त ना भर सको, तो आपको कैसा महसूस होगा दोस्तों। आप टेंशन ही टेंशन में रहेंगे, और आपका दिमाग किसी में न लगेगा जब आप उसकी किस्त ईएमआई नहीं भर पाओगे तो, और तरह तरह की टेंशन, तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग जाएगी। ये कर्ज एक तरीके से इंसान के जीवन में अगर आप नहीं चुका पाते तो एक बीमारी लेके आता है। क्यों? क्योंकि एक मानसिक तनाव और एक मानसिक टेंशन उसके दिमाग में रहती है ईएमआई भरने की। तो जितना हो सके, और ये जो कर्ज का जो इंटरेस्ट है ना, वो चक्रवर्ती ब्याज की वजह से चलता है, और जब ये चलता है ना तो दिन रात गुना चौगुना बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है, एक समय आता है ऐसा, आप उसको भर भी नहीं पाते हो, उसका ब्याज भी आप न चुका पाते हो,
इसीलिए जब भी आपको लगे कि यार कि मेरे जीवन में ऐसा अच्छे पैसे आए हुए हैं और ठीक पैसे आए, तो आप ये मत सोचो कि यार हर मंथ ईमेई भर रही है और मैं चुका दूंगा। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, इंसान के जीवन में कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो जब आपके जीवन में अच्छा समय आए, जब आपके जीवन में अच्छे कहीं से भी अगर अच्छा सा पैसा आए और आप अच्छे पैसे कमाओ, तो उस पैसे से आप एक बार उस कर्ज को कम करने की कोशिश करें। जब आपके सिर पर कर्ज नहीं होगा तो आप निश्चिंत रहकर जी सकेंगे और आप कुछ नया सोच सकेंगे और कुछ आप कुछ नया कर सकेंगे। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई है जीवन में, इसको कभी अधूरा ना छोड़ें। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।